नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो लेक्चर रहेगा वो आर्मी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण है। जितने भी बच्चे आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं सभी इस बुक को जरूर करते हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे के पूरे जो प्रैक्टिस सेट है 50 के 50, इनका सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर करवा दिया जाए ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। मैं इन क्वेश्चंस को करवाते वक्त एक तो आपको बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस को समझाऊंगा और दूसरा जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं अगर हम इनको अगेन एंड अगेन करते रहेंगे तो आपको मैथ्स भी जो बेसिक है वो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम लगभग 50 प्रैक्टिस सेट इस तरीके के करेंगे तो उसमें एक तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कम से कम 30+ कवर होंगे। अगर हम नॉर्मल मैथ्स को स्टार्ट करते हैं और शुरू से क्लासेस करते हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस करने को हमें मिलते नहीं हैं। तो अगर हम इसके प्रैक्टिस सेट की हेल्प से अगर हम करते हैं तो काफ़ी सारे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप एक साथ कर पाते हो। मीन्स हम मैथ पूरे के पूरे मैथ्स की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते आएंगे। करेंगे क्या, शुरू से जब मैं आपको करवाऊंगा तो हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा और उसके बाद में धीरे धीरे हम करते जाएंगे तो स्पीड अप होते जाएंगे। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा, इसके ऊपर आप आर्मी जीडी के अलावा कंपटीशन क्लास जैसे रीट, जैसे एचएसएससी, एसएससी और बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके ऊपर अभी हमने वैदिक मैथ की क्लास स्टार्ट की है जो आपके लिए इन कंपटीशन एग्जाम में रामबाण साबित हो सकती है, तो आप जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित अनुक्रमांक का अगला पद ज्ञात करो। मीन्स ये हमें एक एपी गिवन है। देखो, जब भी एपी का कोई क्वेश्चन आता है पहले हम कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। मीन्स मान लो हमें किसी ने दिया 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या है? एक एपी है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक एपी है? जब भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी का पता करना हो हम डिफरेंस चेक करेंगे। जो डिफरेंस रहेगा, अगर डिफरेंस मीन्स अंतर, अगर हमारा अंतर पूरी की पूरी सीरीज में सेम रहता है तो वो क्या है? समांतर श्रेणी है। जैसे यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2, यहाँ भी कितने का है? 2, यहाँ पे कितने का है? 2, और यहाँ पे भी कितने का है? तो वो क्या बन जाती है? समानांतर श्रेणी बन जाती है। वैसे तो जरूरी नहीं है कि सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एपी को फॉलो करें, लेकिन पहले क्वेश्चन में ऐसा है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एपी के बारे में बताया। अगर हम अब यहाँ पर देखते हैं इस पहले क्वेश्चन को करने का तरीका, तो उसमें क्या क्या लिख रखा है हमारा यहाँ पर कि 12, 3, -6 और आगे क्या आएगा, ऐसा पूछ रखा है हमें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। देखो, 12 माइनस में 9 करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 3, और 3 माइनस में 9 करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? माइनस का 6। यहाँ भी माइनस हुआ है, 12 माइनस 9 हुआ है, यहाँ भी 3 माइनस 9 हुआ है, तो हम माइनस के 6 में माइनस 9 करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? माइनस का 15। तो हमारा इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो क्या आ जाएगा? माइनस का 15। बी विल बी द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि दो नल है, नल मीन्स जिसे हम पानी भरते हैं। देखो, एक हमारे पास टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न मीन्स नल एंड होज। और एक टॉपिक होता है हमारे पास टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोनों को ही हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है कि होता यह है कि जैसे मान लो एक कोई भी आदमी 12 दिन में कोई काम करता है और एक आदमी है जो 6 दिन में कोई काम करता है, ठीक है? इसको हम क्या मान के चलते हैं? टाइम। इसको हम क्या मान के चलते हैं? टाइम। और इस तरीके से हम इनका एलसीएम निकालेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट का पता हो तो आपको चैनल पे जाकर या अपना हमारी मीट नाम की जो ऐप है उस पे जाकर डिटेल में इस टॉपिक को देखना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क में क्या होता है। मैं आपको सिंपली वो बताऊँगा एग्जाम में कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, टाइम को हमेशा नीचे लिखना है और यहाँ जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर हमेशा कौन आएगा? एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगी? हमेशा एफिशिएंसी। और यहाँ इस हिस्से में जो आएगा उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे? वर्क।
जैसे इसने बोला 12 मिनट में काम करता है, 12 आवर में काम करता है, 12 डेज में काम करता है, वैसे यहाँ पर ये 6 मिनट में काम करता है, 6 डेज में, 6 आवर में, टाइम की यूनिट कुछ भी हमें गिवन हो सकती है। हमें सिंपली इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम। मीन्स जो वर्क होता है वो इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होता है। व्हाट इज एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक क्या होता है कि दो नंबर गिवन, जो दो हमें नंबर है, ये दोनों के दोनों नंबर जिस संख्या को भाग करेंगे, मैंने कहा ये दोनों के दोनों नंबर जिस भी संख्या को भाग करते हैं वो एलसीएम। जैसे कि 12, ये दोनों 12 को भाग करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद 24, ये इसको भी दोनों भाग करते हैं। इसके बाद 36, इसको भी दोनों भाग करते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या हैं, गुणक हैं, एलसीएम कह सकते हैं। लेकिन एलसीएम होता है लार्जेस्ट मल्टीपल फैक्टर, मीन्स एक ऐसा नंबर जो इन गिवन नंबर में तो हो सबसे छोटा, लेकिन इन दोनों से क्या होता हो, डिवाइड। तो ये 12 जो है वो इन तीनों में सबसे छोटा है, लेकिन इन दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो ये इसका पहला एलसीएम है, ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड। तो हम स्मॉलेस्ट भी ले सकते हैं और कोई भी नंबर इनमें से ले लेंगे, आंसर हमारा सेम आएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर 12 ले लिया, तो मान लो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब 12 को 12 से डिवाइड करो, यहाँ कितना आया, 1। 12 को 6 से डिवाइड करो, यहाँ कितना आया, ये इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता। अब मान लो 12 काम करना है और एक के काम करने की क्षमता, क्षमता किसको बोलते हैं, एक दिन में, एक यूनिट टाइम में जितना काम कोई कर सकता है। तो ये एक यूनिट टाइम में कितना काम करता है, एक काम करता है, और काम कितना करना है, 12 करना है। तो 12 को एक से डिवाइड किया, कितना आया, एक। मतलब अगर मैं रोज एक रुपया कमाता हूँ, अगर मैं रोज एक रुपया कमाता हूँ तो 12 रुपये कमाने के लिए मुझे कितने दिन लगेंगे, समय आ गया ना। अगर मैं रोज एक रुपया कमाता हूँ तो 12 रुपये कमाने में मुझे कितने दिन लगेंगे, एक रोज, तो एक एक करके हमें टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो टोटल कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, तभी तो हमारे पास 12 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा वर्क होता है उसको अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टाइम। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इसको डायरेक्ट याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें सिंपल इस ग्राफ को याद रखना है कि यहाँ पे कौन आएगा, वर्क आएगा और वो क्या होगा, गिवन नंबर का हमेशा एलसीएम होगा। और यहाँ कौन आएगा, टाइम आएगा। ये दो हो सकते हैं, 3% हो सकते हैं, हमेशा क्या आएगा, टाइम। और ये वाला जो हिस्सा होगा यहाँ पर हमेशा क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। क्या आएगी, एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कार्य क्षमता। यहाँ पर हमेशा एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे हैं, जब भी हमें इस नीचे की तरफ आना है, ठीक है, मतलब ये नंबर दे रखा है, इस नंबर से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। और जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बस इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूँ नीचे की तरफ आएंगे तो हमेशा क्या करना है, डिवाइड, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको डिवाइड करना है, उस बात को हमें समझना है। हम यहाँ पर थे तो क्या करेंगे, देखो अब ये क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, दो नल 10 घंटे और 15 घंटे। घंटे किसकी यूनिट है, टाइम की। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 10 आवर्स, है ना, ये टाइम है हमारा। और दूसरा क्या दे रखा है, 15 आवर्स, ये भी टाइम है। और क्या कह रहा है, दो नल, मान लो ये नल ए है और ये नल बी है, चुपचाप हम ये कैसे लाइन खींचेंगे और इन दोनों क्या लेंगे, एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। 30 को 10 से डिवाइड करो, कितना आया, 3। 30 को 15 से डिवाइड करो, कितना आया, 2। ये इसकी क्या आ गई, कार्य क्षमता। और ये टोटल क्या हो गया, वर्क। क्या पूछा है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, मीन्स दोनों के दोनों नल अगर एक साथ काम करते हैं तो तब क्या होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। अगर दोनों नल एक साथ काम करेंगे, इसका मतलब क्या था, ये एक दिन में इतना काम करता है और ये एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 5।
पहले ही वो एक दिन में तीन काम करता था और बी एक दिन में दो काम करता था, दोनों के दोनों अगर मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम हुआ, पांच काम हो गया, और टोटल काम कितना करना है 30। और हमसे पूछा है टाइम, क्या पूछा है टाइम, टाइम क्या था, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, और वर्क कितना है हमारा यहाँ पर 30, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 को इस पे काटेंगे, कितने पे कटेगा ये 30 पर, सॉरी 6 पर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आवर्स। एक चीज़ का और छोटा सा ध्यान रखना है, कई बार यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 6 आवर लिखा हुआ है और यहाँ पर 30 आवर्स है, सारे 12 एंड 5 आवर्स है, 6 आवर्स है, 5 आवर्स है, कई बार यहाँ पर ये 6 आवर दे रखा है हमें आंसर, और यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी गिवन हो सकती है 6 मिनट। कंपटीशन में ऐसा बहुत बार होता है, हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिल सकते हैं, एक 6 मिनट और एक 6 आवर। जैसे ही आपका आंसर यहाँ पर 6 आता है, आते ही मान लो पहला ऑप्शन ये अगर 6 मिनट होता तो हम उसको टिक कर देते। इस बात का भी हमें क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित पद को हल कीजिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2.9 इंटू में 7.05 इंटू में √256 अपॉन में 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 ही होता है, तो चाहे मैं 4 का स्क्वायर लिखूं या 16 लिखूं, एक ही बात है या नहीं है, तो इसका मतलब ये नीचे कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले ये देखिए क्या दे रखा है, √256 मतलब 256 का वर्गमूल, और 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, तो 16 से तो 16 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बचेगा 2.9 इंटू में 7.05। देखो इसको हम दो तरीके से करेंगे, पहला आप अगर वैदिक मैथ सीखते हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इनको जोड़ करो, 9 को 0 मानना है, क्यों मानना है आपको मेरे वैदिक मैथ के लेक्चर देखने पड़ेंगे, वहाँ से पता लगेगा। इसको 2 देखा, 7, 5, 12, 2 और 1, 3, 3 × 2 कितना होता है 6, एक बार देखो यहाँ पर 6 किसका आता है, 21 का जोड़ कितना आता है 3, ये लिखा हुआ है 14.7345 का सम कितना आता है, 5 × 7 = 10 और 4 = 14 और 1 = 15, यहाँ कितना आता है 6, और इसका कितना आता है 21.750 का, 7, 5, 12, 13 और 2 = 15, अगेन 6, और इसका कितना आता है 20.445, 5 × 9 = 4 2 6, इसका भी 6, देखो तीनों ही 6 आ गए। तो सबसे पहली बात तो हमें इस केस में ये समझनी होती है कि यहाँ देखो 2 और 1, 3, 3 छोड़ के डेसिमल है कि नहीं है, 3 छोड़ के डेसिमल है ना, यहाँ कितने छोड़ के डेसिमल है, 4 छोड़ के डेसिमल है, इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसके तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद में बात करते हैं इस ऑप्शन की, 2 और 1, 3 छोड़ के डेसिमल आना चाहिए, और लास्ट में जब मैं 9 और 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 और 5 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा ना, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, तो अब कौन बचा, ये बचा, तो डायरेक्ट ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इससे अच्छा तो हम इसकी गुणा ही कर लेते, मैंने आपको ये बात इस क्वेश्चन के लिए नहीं बताई है, अगर कहीं भी कोई गुणा आती है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, और इस मेथड को आप कहाँ सीख सकते हो, वैदिक मैथ के लेक्चर्स में। चलो अब इस क्वेश्चन की हम आगे बात करते हैं, डायरेक्ट हमें यहाँ पर क्या करना था, जब हमने ये किया तो हमें ये पता लगा कि हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 2.9 इंटू में 7.05, तो हमें पता है 1, 2 और 3, 3 छोड़ के डेसिमल लगेगा, और 29 का टेबल हमें आता है, 29 × 5 = 145 और 29 × 7 = 203 प्लस में 1 = 204, तो ये हमारी क्या आ गई, गुणा आ गई, 3 छोड़ के डेसिमल लगा दो, ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो अगर हम देखते हैं यहाँ तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, 20.445 इज द आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, अगेन एलसीएम की बात आ गई, तो मैं एक बात बता देता हूँ तुम्हें कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ठीक है,
व्हाट इज एलसीएम, हिंदी में लिखूं तो लघुत्तम समावर्तक इनटू में महत्तम समावर्तक इक्वल टू पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या। ये हमारा लघुत्तम समावर्तक में एक फॉर्मूला होता है। आपके आर्मी जीडी में मैक्सिमम क्वेश्चन जब एलसीएम और एचसीएफ से उठता है तो इसी टॉपिक से उठता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा चाहे आपको टॉपिक ना भी आता हो। जैसे कि यहाँ पर हमें लघुत्तम समावर्तक कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है 1134, और यहाँ पर हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 18। हमें एक संख्या दे रखी है कितनी 162, और दूसरी हमें क्या है निकालनी है, ये हमें निकालनी है। आपको पता होगा कि जब भी ये इक्वल टू का निशान कहीं भी आ जाता है और इधर कोई भी चीज़ अगर प्लस में होती है और इस इक्वल टू को वो क्रॉस करती है तो इधर जाकर वो किस में हो जाती है माइनस में, इधर कोई भी चीज़ माइनस में होती है इधर जाकर किस में हो जाती है प्लस में, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाती है, और अगर इधर डिवाइड में हो तो इधर जाकर किस में हो जाती है मल्टीप्लाई में। इस बात का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यही हो रहा है, यहां पर यही हो रहा है, ध्यान से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर हम 162 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा 1134 इंटू में 18 डिवाइड बाई में 162 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, तो कैंसिल कर लो 18 नाइन जा 162, 9 से इसको कैंसिल करेंगे 9 वन जा 9, 2 9 दुनी 18, 9 छके 54, 126 विल बी द आंसर। ऑप्शन में देखो 126 हमारा क्या है पहला ही ऑप्शन है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के नंबरिंग लिखकर आप मुझे बता सकते हो, नेक्स्ट क्लास में आपको वो सोल्व करवा दी जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि ए एक काम को 15 दिन में, सेम वही बात आ गई ना, मैंने कहा था टाइम, चाहे हमारा क्वेश्चन आ जाए किसका टाइम एंड वर्क का और चाहे हमारा क्वेश्चन आ जाए किसका पाइप एंड सिस्टम का, दोनों सेम तरीके से। सबसे पहले मैं कह रहा 15 दिन मीन समय क्या दे रखा है, समय दे रखा है, और कितने दिन दे रखा है 15 दिन, और किसका ए का। आगे कह रहा है बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, बी कितने दिन में करता है 30 दिन में। आगे क्या कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 15 से इसको डिवाइड करेंगे 2 और 30 को इसे डिवाइड करेंगे 1, दोनों के एफिशिएंसी निकालने कितना आ गया 30। तो हमसे कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 30 डिवाइड बाय कितना 3, आंसर इज 10, 10 विल बी योर आंसर। तो ये इसका हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2 बाय 3 को सोल्व करो, ये इसका मतलब ये हुआ कि 2 को डिवाइड करना है किससे 3 से, 2 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा नहीं, यहाँ एक डेसिमल लग जाएगा, यहाँ एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ एक जीरो, 6 पे जाएगा 6 × 18, तो एक डेसिमल यहाँ भी लगा 2 बच गया, अगेन यहाँ से एक जीरो निकालेंगे ये कितने पे जाएगा अगेन 6 पे जाएगा, अगेन 2 बच जाएगा, फिर 6 पे जाएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। और जब इस तरीके से चलता जाता है तो इसको लिखने का तरीका होता है 0.6 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है उसके नीचे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी बार बारंबार आवर्ती होना, मतलब ऐसे चलते जाना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो आंसर हमारा जो यहाँ पर दे रखा है इसमें 2 ही बार दे रखा है, ये इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, अगर यहाँ पर डॉट डॉट लगी होती तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन ये जो दे रखा है देखो ये इसी फॉर्म में दे रखा है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि किसी वस्तु को 140 रुपए में खरीदकर 168 रुपए में बेचा गया, कितने में खरीदा 140 में, कितने में बेचा 168 में। खरीदना, खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य, खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस,
या इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। बेचना मीन्स सेलिंग प्राइस और इसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। देखो इस टॉपिक को जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा परसेंटेज करवाने के बाद, तब तो देखते ही आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाता अगर आपको परसेंटेज का पता होता कि इनमें डिफरेंस कितने का है और वो उसका कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम अभी डिफरेंस को देखते हैं 28 का, जो इसका 20% है, तो 20% विल बी द आंसर। ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, तो उसमें हम क्या काम करेंगे। देखो 140 में कोई भी चीज़ खरीदी, क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं, जो हमारी पॉकेट में अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। मीन्स मैंने अगर इस पेन को खरीदा है मान लो 20 रुपये का, इस पेन को अगर मैंने 20 रुपये का खरीदा है और तो वो मेरा खरीदा हुआ मूल्य मेरा क्रय मूल्य हो गया, और मान लो इस पेन को मैंने किसी को कितने रुपए का बेच दिया, 25 रुपये का बेच दिया, तो मैंने 5 रुपये फालतू ले लिए ना, तो वो मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और 5 रुपये फालतू लिए मतलब प्रॉफिट, और अगर मैं 15 रुपये का इसको बेच देता तो मुझे 5 रुपये का लॉस हो जाता, तो वो होती मेरी क्या, लॉस या हानि। ठीक है, तो यहाँ पर 140 की चीज 168 में बेची, तो हमें क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट क्या होता है, हमेशा इन दोनों का डिफरेंस। देखो अगर हमसे कोई पूछ ले लॉस या हमसे कोई पूछ ले प्रॉफिट, मतलब लाभ या हानि, तो हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। ऐसे भी निकाल सकते हैं तो उल्टा हो जाएगा, और हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य, दोनों तरीकों से निकल जाएगी। लेकिन मोस्टली जो मैथ्स के अंदर हम निकालते हैं वो हमेशा ये वाला मेथड फॉलो करते हैं कि कितने में बेची, तो यहाँ कितने में बेची है, 168 में, और कितने में खरीदी थी, 140 में, तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितने का हो गया, 28 रुपये का हो गया। कितने का हो गया, 28 रुपये का। ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव आया, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर ये नेगेटिव आता तो ये क्या हो जाता, लॉस हो जाता। अब अगर हमसे सिर्फ इतना पूछा होता कि कितने रुपए का लॉस या प्रॉफिट हुआ, तो हम आंसर हमारा 28 कर देते, लेकिन हमारे सवाल में पूछा हुआ कितने परसेंट का हुआ। तो जब भी आपको परसेंट निकालना हो तो फिक्स तरीका है, जो हमारा विक्रय मूल्य है माइनस में क्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य इंटू में 100, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये अगर आ जाए पॉजिटिव तो होगा प्रॉफिट, और ये अगर आ जाए नेगेटिव तो हमेशा क्या होगा, लॉस मींस हानि, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम हमारे क्वेश्चन में चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। इसने बोला है, यहां पर देखो 140 का खरीदा, 168 का बेचा, 140 का खरीदा, 168 का बेचा, हमें पता लग गया 28 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन वो किस पे निकलेगा, लाभ, क्योंकि पॉजिटिव आया इसलिए क्या हो गया हमारा, लाभ। और ये हमेशा किस पे निकलता है, जो पैसा हमारी पॉकेट से लगता है या जो हमारा क्रय मूल्य होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 28 × 140, 5 से इसको काटेंगे, 20% इज द आंसर। सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है। हमें इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है अगले क्वेश्चन में, कि चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्टिंग कैसे करते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखो अगर हमें पता है कि 1 किलोमीटर अगर हमें कोई दे दे, तो हमें पता उसमें कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इसका मतलब अगर मैं इसमें से निकालूं कि 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो वो क्या आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। क्यों भाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10^-3 किलोमीटर। एक तो ये कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए, दूसरा 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि 1 मीटर की वैल्यू को हम 10^2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये दो कन्वर्जन हमें हमेशा पता होना चाहिए, फिर हमारा क्वेश्चन बड़े सिंपली तरीके से हो जाएगा। क्या दे रखा है हमारे क्वेश्चन में, हम देखते हैं। ये कह रहा है कि एक घन का आयतन, तो हमें कम से कम ये भी पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन अगर आपको समझना है कि घन के आयतन, क्यूब, घन मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड का आयतन, आयतन कोन का आयतन, या हमारे सिलेंडर का आयतन, मतलब इन सब के वॉल्यूम के बारे में अगर आपको समझना है, तो आपको मेरी मेंसुरेशन की क्लास कंप्लीट देखनी चाहिए कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आयतन क्या होता है हमारा, हिंदी में हम लिखते हैं इसको भुजा का क्यूब।
तो इसने दे रखी है जो भुजा की लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर, और क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन इसने आंसर किस फॉर्म में दे रखे हैं, देखो 10 की पावर 0 क्यूबिक मीटर, देखो मीटर तो दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1 मीटर क्यूब, लेकिन 1 को क्या मैं 10 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, किसी की भी पावर 0 लगा दो हमेशा कितना होता है 1, किसी की भी पावर अगर हम 0 लगा देते हैं तो वो हमेशा कितना होता है 1 होता है। इसलिए एक तो पहला आंसर का बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, अभी हमने देखा था कि कन्वर्जन के अंदर कि 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -3 किलोमीटर लिख सकते हैं ना, तो जैसे वो आया हमारा 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर, तो 1 मीटर की जगह मैं लिखूंगा 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -3 इंटू में 10 की पावर -3, और किलोमीटर का क्या क्यूब, क्योंकि ये भी 3 बार है। सेट्स एंड इंडिसेस, करनी और घात एक टॉपिक है मैथ्स के अंदर जो हमें यह समझाता है कि अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -3 -3 -3 -3 + -3 + -3 + -3, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, -9, तो आंसर आ गया हमारा 10 की पावर -9 किलोमीटर का क्यूब। और अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इसको 3 बारी गुणा करना पड़ेगा, तो 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी 2 हमारे आंसर हो सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर और 10 की पावर -9 क्यूबिक मीटर, तो ये भी हमारे क्या है आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, तो डी विल बी योर आंसर। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। अगला सम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, लिख करने की जरूरत भी नहीं है इसको, कि 2225 और 289। अगर आप वैदिक मैथ को सीख लेते हो तो आपके 100 तक क्यूब लर्न हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल किसका है, 225 है 15 का और 285 किसका है 17 का, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 15/17, तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 15/17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर सीखना पड़ेगा तभी हमें समझ आएगा। ये हमें कह रहा है एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर हो, क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो ये हमारी एक मीनार है इतनी, और इधर से मान लो सूर्य पड़ रहा है, तो इसकी रोशनी इधर से पड़ेगी तो ये कहाँ जाएगी, ये इधर जाएगी और ये इसको जाकर यहाँ मिल जाएगी, तो जो इसकी छाया है वो यहाँ तक पड़ेगी, तो ये छाया की क्या हो गई लेंथ, ये किसकी लेंथ होगी, छाया की लेंथ, और ये क्या है मीनार की हाइट, ये क्या है मीनार की हाइट, और ये क्या है इसकी छाया की लेंथ, छाया की क्या है ये लेंथ, ठीक है। इसको ऐसे अगर आप बनाते हैं तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहेगा, इसलिए क्या बन जाएगी, समकोण त्रिभुज बन जाएगी, कौन सी त्रिभुज बन जाएगी, समकोण त्रिभुज, जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आधार, क्या बोलते हैं आधार, और इसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं अगर हम, तो 3 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इसके अलावा इनके ही 3 भाई और होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है और कोस का उल्टा सीकेंट होता है। अभी उन सब के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिंपली इस क्वेश्चन को समझना है कि ये हम कैसे करते हैं, तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको बिल्कुल ईजी सा लगे। जब भी आपको कोई भी समकोण त्रिभुज दे रखी हो तो ध्यान रखना ये अपना परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है हाइट, और टेन थीटा का हमें इसमें हमेशा यूज करना होता है जो क्या होता है P/B, ठीक है। और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और 45 डिग्री की होती है 1, और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये हमें पता होना चाहिए। मैं कुछ बातें आपको अभी इन छाया और मीनार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें और बताऊंगा, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर फिलहाल के लिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। इसने यहाँ कहा है
कि एक मीनार की छाया की ऊंचाई के बराबर हो। क्या छाया, छाया मीन्स लंबाई, मीन्स ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों क्या हो, बराबर हो अगर, तो ये भी मान लो पी हो गया, फिर ये भी पी हो गया। और अगर हम टैन थीटा निकालते हैं, दोनों बराबर है ना, तो पी को हम दोनों को, बी को भी पी लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारा क्या आ जाएगा वन। अब आप सोचोगे पी को बी से कैसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि इसने यहाँ पर बोल रखा है कि पी इक्वल टू बी, तो इन दोनों को काटा तो क्या आ गया वन। और टेन थीटा की वैल्यू वन कब होती है ये हमें समझना था, तो वन कब होती है 45 डिग्री पे, तो हमारी डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। एक बार मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, तीन चीज़ें, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे, और विशेष ये यूज़ होगा ये टॉपिक जो मैथ में है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस उसके अंदर ही आपको काम आएगा। तीन डायग्राम बताता हूँ, हमेशा याद रखना, जैसे ये दे रखा है एक, ये दे रखा है दो, और ये दे रखा है तीन। ये एंगल या तो होगा 30 डिग्री, आप देखना जितने मर्जी क्वेश्चन इनमें इतने ही यही एंगल मिलेंगे आपको, या होगा ये 45 डिग्री और या होगा ये 60 डिग्री। याद कैसे रखना है वही बता देता हूँ। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/1, और इसको y1 लग सकते हैं। और हमें पता है कि टेन थीटा क्या होता है P/B, ठीक है, और ये हमारा P होता है और ये हमारा B, ये भी हमें पता है। तो जब ये एंगल 30 डिग्री होता है तो ये हमेशा 1 और ये हमेशा √3 का मल्टीपल होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 45 होगा तो ये भी 1 होगा, ये भी 1, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। और जब भी ये 60 डिग्री वैल्यू जब होगी तो ये हमारा होगा √3 और ये होगा 1। अब बड़ा इजी हो जाता है, इसने कहा मीनार की छाया और ऊंचाई बराबर है, बराबर मीन्स सेम है, मीन्स एक एक है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या आ जाता है यहाँ पर 45 डिग्री। इस बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको मैं ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा कि बहुत ही आसान हो जाएगा आपका करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है x² - 16x +63 = 0। देखो अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बेसिक ही नहीं आता, हम डायरेक्ट कैसे कर लेंगे। देखो जब तक मैं आपको 50 सेट करवाऊंगा और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेते हो तो आर्मी जीडी के अंदर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, आपको इस बात का पता होगा। और जो भी बच्चा किसी भी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो RIMC की कर रहा हो, चाहे वो नवोदया स्कूल की कर रहा हो, चाहे सैनिक स्कूल की कर रहा हो, और चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कर रहा हो, उसमें भी जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है सेम यही रहता है। इसलिए उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, आपको इसलिए समझने चाहिए। अब इसलिए हमें दे रखा है निकालने के लिए। देखो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो बड़े डिटेल में इसकी बात करेंगे। अभी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और हमसे क्या पूछ रखा हो, इसके फैक्टर्स पूछ रखा हो, तब हमें क्या काम करना है। यहाँ पर ए होता है जो दे नहीं रखा, इसलिए नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर हमें क्या मानना है वन, क्या मानना है वन मानना है, तो यहाँ वन दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है 63। देखो एक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, इसी क्वेश्चन से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है बी, और ये हमारा क्या है सी। ऐसे क्वेश्चन हम जब भी करते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि ए और सी की जो मल्टीप्लाई आएगी, मल्टीप्लाई कर लेनी है हमेशा, 63 और 60 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 63, और जो हमारा बी है वो हमारा जोड़ आना चाहिए। हमें इस तरीके से फैक्टर करने होते हैं, बीच वाले नंबर के टुकड़े करने होते हैं कि जोड़ हमारा वो बीच वाला नंबर मतलब बी आए और मल्टीप्लाई हमारी ए और सी आए। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो क्या हो रहा है, जोड़ कितना आना चाहिए -16 और मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 63। तो ऐसे नंबर कौन है 9 और 7, पर जोड़ हमारा -16 आना चाहिए, इसलिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस के होंगे फिर, हाँ या ना। अगर हमसे पूछ ले फैक्टर, अगर हमसे यहाँ पूछ ले फैक्टर, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इनके साथ एक्स लगा दो तो ये हमारे क्या बन जाएंगे फैक्टर बन गए। और अगर आपसे इनके आंसर पूछ ले तो हमें क्या करना है, इनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दो, बस बहुत सिंपल है।
ये किस चीज़ का है, माइनस का 9 है, इसको प्लस का 9 कर दो, ये माइनस का 7 है, इसको प्लस का 7 कर दो, ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर वैल्यू, फैक्टर वैल्यू। और फैक्टर्स पूछे थे इसका, एक्स लगा दो बस। हमें यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, एक्स का मान, तो फैक्टर वैल्यू को एक्स का मान बोलते हैं, तो आंसर प्लस का 9 और प्लस का 7। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर आंसर दे रखा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम थोड़ा इसे आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत से रन बनाता है। औसत का मतलब क्या है, ओके क्या औसत का मतलब क्या है, एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में इसको, औसत का मींस औसतन उतने रुपए हैं। जैसे मान लो पांच मित्र हैं, पांच मित्र में एक ने इकट्ठे एक लेकर आया मान लो 20 रुपए, एक लेकर आया 10 रुपए, एक लेके आया 15 रुपए, दूसरा लेके आया 25 रुपए, और एक लेके आया मान लो 40 रुपए। इस तरीके से पांच दोस्त पैसे लेकर आए। अब अगर हमसे कोई ये पूछ ले औसतन इनको कितना मिला, तो 20, 30, 70 और 40, 110 हो गए ना, तो इसको कह देते हैं 50 रुपए लेकर आए। ये कितने लेकर आए, 50 मान लेते हैं इसके, ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना आए। तो मान लो ये लेके आया 50 रुपए, तो सबसे पहले ये अलग अलग रुपए लेके टोटल रुपए देखो इनके पास कितने आए हैं, 20, 30 और 50, 80 और 40, 120, ठीक है। और अगर हम औसतन बात करें तो पांच बंदे हैं तो हर एक हिस्से कितने रुपए आते हैं, 24। टोटल जो अमाउंट है अगर मुझे इन पांचों बंदों में बांटने हो तो हर एक के हिस्से जितने पैसे आएंगे उसको इसके क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे। सिंपल सी बात है, हम यही मानकर चलेंगे औसत की बात जब भी आएगी कि औसत का मतलब है कि सबके पास इक्वल पैसों का होना। जैसे कि मान लो इसने बोला कि 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाया, 14 पारियों को हम क्या मान लेंगे, 14 बंदे मान लेंगे, और सबके पास कितने कितने रुपए हैं, मान लो 30-30 रुपए हैं। कहता 15वां बंदा आया या 15वीं पारी आई तो उसमें कितने रन बनाए कि सबके पास कितने कितने हो जाएं, 32-32 हो जाएं। अब देखो 14 बंदों के पास 30-30 रुपए हैं ना, उनके पास हमें 32 करने हैं, तो 32 करने के लिए क्या करेंगे, सबको 2-2 रुपए दे देंगे। सिंपल सी बात है, 14 के पास 30-30 रुपए हैं, 32-32 करने के लिए सबको हम 2-2 रुपए दे देंगे, तो 14 बंदों को कितने रुपए दे देंगे, 28 रुपए दे देंगे। तो 14 के पास 28-28 रुपए हमने दे दिए तो 32-32 हो गए। अब जो 15वां बंदा है उसके पास भी कितने होने चाहिए, 32 रुपए होने चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8, 2, 10 और 6, 60 रुपीज़। मतलब अगर ये बंदा 15वां बंदा 60 रुपीज़ लेकर आता है तो सबके पास कितने कितने रुपए होते हैं, 32-32। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सी, बिल्कुल सा सिंपल क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही क्वेश्चन आगे देखो जो हम पहले करते हुए आ रहे हैं। कह रहा है एक काम को 10 दिन में करता है, ए एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। आगे कह रहा है ए और बी, थोड़ा सा चेंज किया इसने, कह रहा है ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो ये हमारा अगेन क्या हो गया, टाइम, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम, 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30, 10 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 30। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। ये एफिशिएंसी किसकी है, ए और बी की, और ये एफिशिएंसी किसकी है, ओनली ए की। अकेला ए रोज 3 रुपए कमाता है, अकेला ए रोज 3 काम करता है, और ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5। तो अकेला बी कितना करेगा, सिंपल सी बात है, बी कितना करेगा, 2। बी कितना काम करेगा, 2, क्योंकि इन दोनों का मिलकर जोड़ ही तो आना चाहिए कितना, 5। अब बी 2 काम करेगा और करना कितना है, 30। तो 30 काम 2 के हिसाब से कितने दिन में, 15 डेज में। तो 15 विल बी योर आंसर। बात समझ आ गई होगी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कह रहा निम्नलिखित संक्रिया को सरल कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3 और 10 की पावर 0, 0, 1 होता है, और आगे 0 ही दे रखा है। तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, 0। तो इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता है नहीं, आंसर ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, 0। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक आदमी ने एक बैंक से 12% रेट कितनी दे रखी है हमें,
12%। देखो जब मैं आपको परसेंटेज समझा दूंगा तो ये क्वेश्चन आपको सारे ही पपलू से लगेंगे, इनमें कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, किधर से कितने रुपए उधार लिए, प्रिंसिपल या मूलधन कितना कह रहा है, 20,000 रुपये उधार लिए। कितने समय के लिए लिए भाई, एक साल। कितने समय के लिए, एक साल। टाइम भी दे रखा है कितना, एक साल के लिए लिए। हमें पता है SI का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू में टाइम, और रेट परसेंट होता है ना। परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 100 क्यों नहीं लिखा, इस फॉर्मूले की हमें कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो। परसेंटेज क्या कहता है, परसेंटेज कहता है कि एक साल दे रखा है RT%। मैं आपको जब SI और CI समझाऊंगा तो मैं SI के अंदर आपको एक बात बताऊंगा कि R इंटू में T% निकाल दो हमेशा आंसर सही रहेगा। तो R कितना है, 12, और T कितना है, 1, तो 12 × 1 तो टोटल 12 हो गया ना। 12% निकाल दो, वो हमारा SI आ जाएगा। किसका 12%, 20,000 का। जब भी 20,000 का आपसे कोई पूछ ले 10% कितना, एक छोड़ के डॉट निकाल दो, ये 10% आ गया 2,000 रुपये। और कोई आपसे पूछ ले 20,000 का 1% कितना, तो 2 छोड़ के डेसिमल लगा दो, ये 200 रुपये आ गया, है ना। तो 1% कितना, 200 रुपये, तो 12% निकालना है। एक चीज़ 200 रुपये की आती है तो 12 चीज़ कितने की आएगी, एक अगर 200 की है तो 12 निकालनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 रुपये की आएगी। कितने रुपये की आएगी, 2400 की। ये हमारा क्या आ गया, SI। लेकिन पूछा क्या है कि उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, मतलब हमसे मिश्रधन अमाउंट पूछा है। तो देखो 2400 रुपये तो उसे चुकाने ही चुकाने पड़ेंगे, साथ में जो उधार में इसने 20,000 लिए वो भी तो चुकाएगा ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22,400 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 22,400। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरीके की कमी आपके समझने में रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो इस लेक्चर को देखते हुए तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पढ़ने के लिए क्लासेस देख रहे हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो इसका मतलब आपको पढ़ाई से मतलब नहीं है, आपको जस्ट टॉपिक्स ही देखने हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो स्पेशल आर्मी वाले बच्चों को डिवोटी है और जो कंपटीशन के बच्चे उनको ही है, तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको रेगुलर जब भी कोई क्लास होती है मैथ्स की किसी भी सेगमेंट के लिए तो उसमें आपको पता लग जाएगा। दूसरा, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो साइकोलॉजी की क्लास लगती है, SSC की तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा GK की क्लास लगती है, उनका पूरा शेड्यूल आप इन ग्रुप से ले सकते हो। इसलिए आप अपना नाम और अपना प्लेस लिखकर इस पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, और आपकी कोई भी अगर डाउट होती है किसी भी तरीके की किसी भी क्वेश्चन में तो आप किसी भी समय मुझे इस नंबर पर भेजकर इंडिविजुअली अपनी डाउट भी पूछ सकते हो। और डाउट का एक दूसरा भी सिस्टम मैंने बना रखा है, जो पुराने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उन सबको पता होगा कि जब आप डाउट्स भेजते हो तो मेरे पास एक कलेक्शन आती है, है ना, और वो कलेक्शन ऐसी होती है जो मोस्टली बच्चों की डाउट होती है। तो जब वो डाउट 10 से 15 क्रॉस हो जाती है तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाते थे, तो ऐसा ही अभी रहेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो मीन्स आप पढ़ने वाले हो, तो आपकी कोई भी डाउट आती है आप मुझे इस नंबर पर भेज कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।